अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की तमाम नियमतों से नवाजे। जी आज का शुरू करते हैं व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ग्रेजुएशन पार्टी में। जी हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया। सो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, चलें आपको भी साथ दिखाते हैं। जी हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट शाही पैलेस, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम एंटर होते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा सेटअप था। और यहाँ पे ईशाल अपनी चेयर पे बैठ के, इन्होंने गुडी बैग्स बनाए हुए थे बच्चों के लिए, जिसके अंदर चॉकलेट्स, कैंडीज़ और ऐसी चीज़ें डाली हुई थी। बच्चे देख के बहुत खुश हो गए थे। फुली अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, सेटअप बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। बच्चे तो बस बलून्स के साथ ही खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। मेन्यू गोलगप्पे, समोसे, हर तरह की चटनियाँ थी, दही बड़े थे, हलीम, चने, हलवा पूड़ी, पालक गोश्त, नूडल्स, वाइट राइस, बिरयानी और चिकन के सालन की बहुत सारी वैरायटी थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और टिक्का बोटी, नान, कोरमा, हलीम, नगेट्स, आप यूँ कह सकते हैं कि सब कुछ ही था। बफे सिस्टम था, बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत मज़े का फ्रेश खाना था। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। गरम गरम खाना आ रहा था और सब ले रहे थे। सैलेड में भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैक्रोनी सैलेड था, रशियन सैलेड था और फ्रूट में भी बहुत सारे फ्रूट्स थे। ईशाल अपने नूडल्स को एंजॉय कर रही है। बाहर लेके जाएं तो बच्चे खाते तो कुछ नहीं है, बस अपनी मर्जी से एक दो बाइट ले लेते हैं। यहाँ पे केक है जो बहुत ही अच्छा डेकोरेट हुआ था, जिसकी ग्रेजुएशन थी उसने खुद ही डिज़ाइन किया था इस केक को। और यहाँ पे ईशाल को और बच्चे बहुत मज़े से केक इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ईशाल बलून्स के साथ खेल रही है। पार्टी ख़त्म हो गई थी तो बाद में बलून्स के साथ बच्चे काफ़ी देर तक खेलते रहे और उन्होंने जाते हुए बच्चों को बलून्स भी दिए, जिससे बच्चे इतने में खुश हो गए कि हमें बलून्स मिल गए। और यहाँ पर हम वापस आ रहे हैं और बच्चों के हाथ में बलून्स हैं। ईशाल तो कह रही थी मैं घर तक लेके जाऊँगी। और यहाँ पे बस हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पास में हमारे रिलेटिव का घर था, उनकी तरफ क्यों ना चक्कर लगा लिया जाए। तो यहाँ पर हमने एक प्लान किया कि क्यों ना उनकी तरफ केक लेके जाया जाए, क्योंकि उस दिन फादर्स डे भी था। तो हम लोगों ने केक ऑर्डर किया और मेरे हस्बैंड केक लेने के लिए गए हुए थे। ईशाल पीछे अपने बलून्स के साथ, बलून्स को बिल्कुल भी नहीं थी छोड़ रही, उसको तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था बलून के साथ। और यहाँ पे हम उनके घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप घर देख रहे हैं, अमेरिका में मोस्टली घर सब सेम ही लगते हैं, एक जैसे ही घर लगते हैं। बहुत प्यारे घर हैं यहाँ पे, पीसफुल एंड पीसफुल एरिया, बहुत अच्छा एरिया है। जी बस हम उनके तरफ पहुंच गए और बच्चों ने यहाँ पे हमने कपड़े चेंज किए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हैवी कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तो अब रिलैक्स होकर ईशाल अपने टैब के साथ प्ले कर रही है। ये पाकिस्तानी कॉट है जिसके ऊपर बैठी हुई है। यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, जिसको चारपाई कहते हैं। यहाँ पर पप्पू हमारे लिए पुलाव बना रही हैं, जो कि बहुत ही मज़े का था। इनके बैकयार्ड में बच्चे हिब्बा, हादी, जो के ईशाल के कज़न्स हैं, ये ईशाल के साथ खेल रहे हैं और हम लोग रिलैक्स हुए थे। और यहाँ पे खाना फिर उन्होंने हमारे आगे रखा, पुलाव, सैलेड, रायता, बहुत ही मज़े का था।
और उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी की, जो कि फादर्स डे था उसी दिन। ये मेरे फादर इन लॉ और मेरे ताया अबू हैं, और बच्चों ने केक इंजॉय किया। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।